बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आप देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी विद नेचर और मैं हूँ साइमा। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे आप ब्लीच कैसे कर सकते हैं। मेरी वैसे एक पहले वीडियो भी है जो मैंने आपको ब्लीच करने का तरीका बताया था, लेकिन ये उन मेरी बहनों के लिए ब्लीच का तरीका बता रही हूँ जिनकी स्किन सेंसिटिव है। वैसे भी ये सेंसिटिव स्किन ना भी हो तब भी ये सूट कर जाएगी, जिस तरीके से अगर मैं आपको बता रही हूँ आप इसको फॉलो करके इस तरीके से अगर आप ब्लीच करेंगे तो आपकी स्किन डैमेज नहीं होगी। इसमें आपको क्या क्या ज़रूरत है, एक क्यूने का डेवलपर है, ये 20 वॉल्यूम के साथ है, मुझे मिला, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा 10 वॉल्यूम ही यूज़ करें, लेकिन ये 20 वॉल्यूम के साथ है और स्पेशली जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो 10 वॉल्यूम के साथ फेस पे यूज़ करें। ये डेवलपर है क्यूने वालों का, ये तकरीबन आपको 150 में मिल जाएगा, 145 का मुझे मिला है, 150 तक मिल जाएगा। उसके अलावा ये क्रीम ब्लीच है, सॉरी पाउडर है, ये क्यूने वालों का ब्लीच पाउडर है। ये बालों को भी ब्लीच कर सकते हैं आप, इससे फेस पे भी जो भी जिन कलर को बालों को भी आपने कलर करना हो, ब्लीच करनी हो, तो ये ब्लीच पाउडर होता है जो फेशियल में भी डलता है, स्किन पॉलिश में भी डलता है और ये बालों को ब्लीच करने के लिए भी यूज़ होता है और फेस ब्लीच के लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा ये स्किन शाइनर है, ये बहुत ही अच्छा होता है स्किन शाइनर, गोल्डन टच वालों का है, 110 का मिल जाएगा आपको। इसमें ज़्यादातर लेमन एक्सट्रैक्ट डाला गया होता है जो स्किन को क्लीन एंड क्लियर करेगा, डस्ट रिमूव करता है, साफ करेगा डस्ट भी, और वाइट हेड ब्लैक हेड कंट्रोल करेगा। उसके अलावा ऑयल जो है सीड ऑयल कंट्रोल करता है, फेस पे एक शाइन देता है। जो शाइनर होता है वो यही होता है जो आपके फेस पे ग्लो देगा और क्लिनजिंग का भी काम करेगा। ये बहुत ही अच्छा है, खाली ब्लीच के अलावा भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं फेस पे, सारी रात भी लगा के छोड़ सकते हैं और सुबह किसी अच्छे सोप से वॉश कर लें, वरना तो ये ब्लीच के ऊपर वो भी एक दो ड्रॉप सिर्फ आपने फेस पे लगाने होते हैं, अच्छी तरह फेस धो के उसके बाद लगा लें या 15-20 मिनट के लिए लगाएं, लेकिन ब्लीच में ये थोड़े और तरीके से डाला जाता है। उसके अलावा ये है सूदिंग लोशन है, ये बहुत अच्छा होता है सूदिंग लोशन, ये भी इसमें डाला जाएगा। एलोवेरा और टी ट्री ऑयल होता है इसके अंदर, फेस के लिए बहुत अच्छा होता है, ख़ासतौर पे जिन लोगों को पिंपल्स होते हैं उनके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्किन कोई डैमेज हुई हो या पिंपल्स होना शुरू हो जाए तो ये उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगा, क्योंकि इसमें टी ट्री ऑयल है और विद एलोवेरा, तो ये सूदिंग लोशन है जो कि इसके अंदर जाएगा। और इसके साथ ये टैल्कम पाउडर है, अगर हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर इसमें ऐड करेंगे तो आपके जो है बहुत अच्छे से आपका जो है स्किन पॉलिश होगा, क्योंकि वैसे ये लिक्विड थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है, तो जब आप पाउडर थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ये थोड़ा सा थिक सा बन जाएगा और आपके फेस पे स्टे रहेगा, तो गिरेगा नहीं, बहुत अच्छे तरीके से ब्लीच हो जाएगी और ये ब्लीच बहुत ही आपकी स्किन पे ग्लो देगी और पार्लर से कहीं ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि इसमें आप एक दो चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं जो पार्लर में नहीं यूज़ की जाती, और ये इतनी बड़ी बॉटल है जो मैंने इसलिए बैक साइड पे रखी हुई है। ये आलमंड ऑयल है तो ये भी इसमें डालेंगे, आलमंड ऑयल डालने का ये फ़ायदा होगा, विटामिन ई, आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है या आपकी स्किन पे ब्लीच से किसी को एलर्जी हो जाती है तो वो नहीं होगी, उस टाइप का कुछ नहीं होगा। अगर स्किन पे आपके पिंपल्स भी हैं तब भी आपको एलर्जी या इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आलमंड ऑयल डालेंगे जो आपकी स्किन को फिर डैमेज नहीं करेगा, और विटामिन ई होगा, स्किन को प्रोटेक्ट करेगा और ड्राई भी नहीं करेगा। और उसके साथ एक ज़रूरी बात ये मेरे पास स्पून है जिससे मेडिसिन देते हैं बच्चों को, तो ये वाली स्पून बहुत अच्छी रहती है मिक्स करने के लिए। कोशिश किया करें कि मेटल की स्पून यूज़ ना करें, वुडन स्पून यूज़ करें या फिर ये प्लास्टिक की यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स होते हैं, तो प्लास्टिक की स्पून सबसे बेस्ट रहती है या कोई वुडन स्पून हो। तो ये वाली स्पून है, एक तो इससे आप मैयर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब आपने ऐड कैसे करना है, सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, इसके अंदर सबसे पहले आपने डेवलपर डालना है, और डेवलपर आपने कितना डालना है, एक टीस्पून, ये इस साइड आप जो यूज, ये देखिए ये एक टीस्पून आपने डाली, उसके बाद आपने ये स्किन शाइनर ये आपने हाफ टीस्पून डालनी है। अब ये देखिए इससे आपको मैयर करना बहुत इजी हो जाएगा,
इस साइड पे ये हाफ टी स्पून है, ये आपने डालनी है। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आपने सूदिंग लोशन डालना है, ये भी आपने हाफ टी स्पून डालना है। ठीक है, ऐसी स्पून रख दिया करें, काम आती है। उसके साथ ब्लीचिंग पाउडर है, वो भी आपने हाफ टी स्पून डालना है। सूदिंग लोशन और ये, ठीक है, सूदिंग लोशन हो गया और इसके साथ स्किन शाइनर ये, और इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर, ये तीनों आपने हाफ टी स्पून लेनी है। और अगर पाँव पे कर रहे हैं, मतलब ये टी स्पून है तो ये हाफ ही है, ठीक है। और इसके साथ आपने टेलकम पाउडर लेना है, वो भी आपने हाफ टी स्पून लेना है। ये खुद ही चला गया, ठीक है। उसके साथ आपने आलमंड ऑयल के सिर्फ फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं, फ्यू ड्रॉप्स। ये देखिए, ये मैं आलमंड ऑयल के ड्रॉप्स डाल रही हूँ, 1, 2, 3, ठीक है। ये ड्रॉप्स डाल के आपने अच्छे से मिक्स करना है और 15-20 मिनट के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे फेस पे लगाना है, हाथों पे, पाँव पे, जहाँ भी लगाना हो। और ये ब्लीच आपने तकरीबन एक माह में 3 दफ़ा से ज़्यादा नहीं करनी, सिर्फ एक माह में 3 दफ़ा करनी है, इससे ज़्यादा नहीं करनी, तो आपकी स्किन बहुत अच्छी होगी, ग्लोइंग रहेगी और फेशियल हेयर वो जो है वो नज़र नहीं आएंगे। उसके अलावा फेशियल हेयर की वैसे भी मैंने एक क्रीम अपने, आप मेरी वीडियोस दे सकते हैं, उसमें बहुत अमेजिंग रिजल्ट है उनका, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, वो आप यूज़ करें तो ये आपकी स्किन पे शाइन देगी, फेशियल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पॉलर से भी बहुत अच्छा फेशियल आप घर पे इजी वे से कर सकते हैं, स्किन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी अगर आपने प्रॉपर वे से किया और ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये डाली। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं नहीं लग रही हैं, और दूसरे शेयर भी कर दिया करें। और नमाज की पाबंदी करें और अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें।